ये है हार्ली की बैटरी ओरिजिनल, जो कंपनी से मुझको बाइक के साथ आई थी। और ये जो है एक्साइड की बैटरी मैंने बिठाया है इधर, क्योंकि इसका कॉस्ट थोड़ा कम ही है, 3500 कुछ तो मुझको मिल गई थी बैटरी। तो इसका रिगार्डिंग में हार्ली का इंक्वायरी किया तो उसको 9000 रुपीज़ गिर रहा था। तो इससे अच्छा है कि आप 1 ईयर में एक एक्साइड की बैटरी चेंज कर लो। 3500 देने से अच्छा है 9500 देने से अच्छा है कि 3500 ही दे लो। और इसकी गारंटी वारंटी कुछ 6 मंथ्स है, ये जो हार्ली की है इसकी 24 मंथ्स वारंटी आती है, मतलब 1 साल गारंटी 1 साल वारंटी। तो आप, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये फिट कैसे किया है, थोड़ा एडजस्टमेंट किया है मैंने, वो भी आपको मैं बता दूंगा। ये जो वायर है ये अर्थिंग है, तो इसको निकालना ज़रूरी है। इसको इतना ही निकालने का काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं निकालेंगे इसको, क्योंकि ये बोल्ट उतना ही निकालने का है हमको। ये बोला अभी ये वायर थोड़ा छोटी पड़ गई है अपना प्लस वाला, तो हम इसको इधर से निकालेंगे। ठीक है, ये वाला आ रहा है इधर, आप देख सकते हैं। हाँ, ये वाला वायर निकल के आ चुका है इधर, अभी इसको हम खींचेंगे। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे मतलब छोटा है, ये बैटरी बड़ा है, तो उसके रिगार्डिंग हमको थोड़ा दिक्कत दे रहा है। ठीक है, इसको अभी निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास बैटरी निकल के आ चुकी है। ठीक है, अभी ये देखिए, मैंने बैटरी निकाला है एक साइड वाला,
मुझे दिक्कत इसलिए हो रही थी कि हादली की बैटरी जो है वो हाइट में थोड़ा कम, मतलब कुछ सेंटीमीटर कम है, ये थोड़ा ज़्यादा है। ये बुलेट वाली है बैटरी, तो ये हार्ली कंपनी की है, तो उसके रिगार्डिंग ये आप लोगों भी देख सकते हैं इधर हार्ली वाला। अभी ये मुझको गिरी है 3500, ये मुझको कंपनी से आ रही थी 9000 रुपीज़, तो इसका गारंटी पीरियड है 6 मंथ। इसका ये वाला 24 मंथ्स वारंटी है, मतलब देखा 2 साल आपको फुल गारंटी मिल जाएगा, मतलब 2 साल के अंदर कुछ भी हुआ तो कंपनी रिप्लेस कर देगी ये बैटरी।